गणेश चतुर्थी का त्योहार इस साल 22 अगस्त से मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के बाद 10 दिनों तक लगातार गणेश उत्सव की धूम देखने को मिलती है। गणेश चतुर्थी आस्था से तो जुड़ा ही है, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भी इसकी खास अहमियत रही है। आइए आपको बताते हैं गणेश उत्सव का बाल गंगाधर तिलक और देश की आज़ादी की लड़ाई से जुड़े इतिहास के बारे में। आज से करीब 100 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश उत्सव की नींव रखी थी। इस त्योहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना था। आज जिस गणेश उत्सव को लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, उस पर्व को शुरू करने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 1890 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिलक अक्सर चौपाटी पर समुद्र के किनारे बैठते थे और वो इसी सोच में डूबे रहते थे कि आखिर लोगों को कैसे जोड़ा जाए। अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता बनाने के लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग चुना। तिलक ने सोचा कि क्यों न गणेश उत्सव को घरों से निकालकर सार्वजनिक स्थल पर मनाया जाए, ताकि इसमें हर जाति के लोग शिरकत कर सके। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने अक्षरक्ष लिखा था। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया है। तुरंत वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडे पानी से स्नान कराया था, इसीलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। इसी कथा में ये भी वर्णित है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसीलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया। ये लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, माटी झड़ने लगी थी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा गया। इसी बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश को मनपसंद आहार अर्पित किए, तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा का स्थापन और विसर्जन किया जाता है और 10 दिनों तक उन्हें सुस्वादु आहार चढ़ाने की भी प्रथा है। मान्यता है कि गणपति उत्सव के दौरान लोग अपनी जिस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, वो भगवान गणपति के कानों में कह देते हैं। गणेश स्थापना के बाद से 10 दिनों तक भगवान गणपति लोगों की इच्छाएं सुन सुनकर इतना गर्म हो जाते हैं कि चतुर्दशी को बहते जल में विसर्जित कर उन्हें शीतल किया जाता है। गणपति बप्पा से जुड़े मोरिया नाम के पीछे गणपति जी का मयूरेश्वर स्वरूप माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार सिंधु नामक दानव के अत्याचार से बचने के लिए देवगणों ने गणपति जी का आवाहन किया। सिंधु का संहार करने के लिए गणेश जी ने मयूर को वाहन चुना और 6 भुजाओं का अवतार धारण किया। इस अवतार की पूजा भक्त गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे के साथ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ न्यूज़।